इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं 7 टिप्स, 7 ऐसे टिप्स जो आप कुछ भी पढ़ें उसको ज्यादा याद रखने में, जल्दी याद करने में आपकी मदद करेंगे। क्या कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आप जो पढ़ते हैं जब आपको उसकी जरूरत है तो वो आपको याद ही नहीं रहता है? बहुत बार बच्चों के साथ एग्जाम्स में ऐसा होता है। बहुत बार आप में से अगर कुछ लोग हैं जो बुक्स पढ़ते हैं, सेल्फ हेल्प बुक्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप बुक्स आप पढ़ लेते हैं, लेकिन आपको जब ज़रूरत पड़ती है तो आपको थोड़े दिन के बाद ऐसा लगता है कि जो जो आप पढ़ते जा रहे हैं वो सब आप भूल जाते हैं। तो अगर आपको अपना पढ़ा हुआ जो भी आपने स्टडी किया वो याद रखना है तो ये खास वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 7 टिप्स, 7 ऐसे टिप्स जो आप कुछ भी पढ़ें उसको ज़्यादा याद रखने में, जल्दी याद करने में आपकी मदद करेंगे। और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये 7ों के 7ों ज़रूरी हैं। इन 7ों में से कोई 1 या 2 यूज़ करने से काम नहीं बनेगा, इन 7ों के 7ों को एक साथ आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए, पहली चीज़, जब भी आप पढ़ाई करें या जो भी आप बुक्स पढ़ते हैं, जब भी आप वो स्टडी करें, यू शुड बी इन ए हाई परफॉर्मेंस स्टेट। आप एक्टिव होने चाहिए, अलर्ट होने चाहिए जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप थके हैं, अगर आप इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं या फिर आपको नींद आ रही है और आप जबरदस्ती पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए, आपकी सेंसेस अगर कोई चीज़ सही से लेंगे ही नहीं और वो अंदर ही नहीं जा रहा है तो फिर याद कैसे रहेगा? सो लॉट ऑफ टाइम आई हैव सीन पीपल, या तो वो डिस्ट्रैक्टेड हैं, कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, लैक ऑफ अटेंशन है, मूड इज ऑफ, एनर्जी इज लो, दे आर फीलिंग टायर्ड, एग्जॉस्टेड, स्लीपी, और इस स्टेट में फिर आप जो भी पढ़ेंगे ना वो याद रहने वाला नहीं है। मैं हमेशा सबको ये सलाह देता हूँ कि आप 30 मिनट या 45 मिनट के बाद एक छोटा सा 5 मिनट का ब्रेक ले लें। अगर आपको लग रहा है आपकी वो 100% एनर्जी नहीं आ रही है, 100 छोड़ दो यार, 70-80% भी नहीं आ रही है, टेक ए ब्रेक, टेक ए वॉक 5 मिनट, अपना कोई फेवरेट म्यूजिक सुन लो, कुछ भी करो, बट यू शुड स्टडी, यू शुड रीड व्हेन यू आर इन ए हाई परफॉर्मेंस स्टेट। दूसरी चीज बहुत सरल है, हाईलाइट दी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बहुत बार ऐसे पेजेस होते हैं जिनमें कुछ खास नहीं होता, लेकिन बहुत बार एक ही पेज आपको मिलेगा जिसमें 2 या 3 कमाल के लर्निंग मिल सकती हैं जो आपके लिए जरूरी हैं, महत्वपूर्ण है, जिन्हें आप याद रखना चाहते हैं। सो आप एक हाईलाइटर का इस्तेमाल करिए और अपनी बुक में हाईलाइट करिए। हाईलाइट करने का एक और फायदा क्या होता है, जब आप किसी भी चीज़ को हाईलाइट कर रहे होते हैं ना, एक रिविजन तो आपने हाईलाइट करते करते ही कर ली, क्योंकि जब आप उसे हाईलाइट कर रहे हैं ना उस पॉइंट को, तो भी आपको वो दोबारा से आपने एक बार पढ़ लिया, व्हेन यू आर हाईलाइटिंग इट बिकम सेकंड टाइम फॉर यू। सो हाईलाइट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच यू विश टू रिमेंबर। थर्ड, आप एक टाइम में आधा घंटा, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितना भी काम करते हैं और जितनी भी पढ़ाई करते हैं, जैसे आप वो सिटिंग खत्म करें तो सिर्फ 5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट या 10 मिनट, मुझे नहीं मालूम आपने कितनी देर पढ़ाई की और कितने पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, लेकिन ये बात तय है जो आप याद रखना चाहते हैं वो आपने हाईलाइट कर लिया। तो पहले आपने उसे पढ़ा, फिर आपने उसे हाईलाइट कर लिया, और जैसे ही आपने ये वाला सेशन खत्म किया, जो भी हाईलाइटेड पॉइंट्स है ना उनके पास वापस चले जाइए और उनको एक बार फिर से पढ़ लीजिए। 1 घंटे के बाद आप जनरली जो भी हाईलाइट करेंगे वो शायद आप 2-3-4 मिनट का ही होगा। तो अगर 2 घंटे की रीडिंग है तो मैं बोल रहा हूँ आपसे 2 घंटे की जगह आप 1 घंटा 50 मिनट लगाओ रीडिंग करने पे, आखिरी के 10 मिनट यूज कर लो जो पिछले 1 घंटा 50 मिनट में पढ़ा है उसको एक बार जल्दी से रिवाइज करने के लिए। और इस वीडियो में टोटल हम डिस्कस करने वाले हैं 7 पॉइंट्स, 3 हम डिस्कस कर चुके हैं, 4 और हैं, तो गौर से सुनिएगा, अलर्टनेस के साथ सुनिएगा। 4th, राइट अ समरी इन योर ओन वर्ड्स। जैसे ही आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर आप पढ़ रहे थे, आपने वो पढ़ लिया, तो उसकी समरी को अपने शब्दों में आप दोबारा लिख दीजिए। 1 पेज में लिखें या 2 पेज में लिखें चलेगा, लेकिन जब आप ये प्रोसेस करेंगे तो देन दिस इज द अल्टीमेट थिंग, क्योंकि आपने जो पढ़ा आपने उसको गौर से समझ लिया, तब जाके उसको आपने अपने शब्दों में व्यक्त किया। दिस इज द अल्टीमेट लेवल ऑफ लर्निंग एंड रियलाइजेशन। सो एवरी टाइम यू फिनिश यू शुड राइट ए समरी इन योर ओन वर्ड्स। 5वां, ये बहुत कमाल का है, जो भी आप पढ़ें आप एक स्टडी ग्रुप बना लें या ऐसे मास्टरमाइंड बना लें या एक सर्कल ऑफ क्लोज फ्रेंड्स बना लें। जो भी आप खास पढ़ते हैं, हफ्ते में 1 बार या 3 दिन में 1 बार, मुझे नहीं मालूम आप कौन सी क्लास में हैं या जिंदगी के किस लेवल पे हैं और किस तरह की चीज़ें आप पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप एक ग्रुप के लोगों के साथ वो सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं और उन पर चर्चा कर लेते हैं, देन उसके याद रहने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है, शायद वो पूरी जिंदगी के लिए आपके पास आ जाता है। 6ठा, वेरी सिंपल एंड वेरी पावरफुल, जो भी कमाल का आप पढ़ें
उसे तुरंत किसी को बता दें, सिखा दें, टीच करें, एक्सप्लेन करें। जो आप पढ़ते हैं जब वो आप किसी को एक्सप्लेन कर देते हैं ना, देन दैट इज़ द अल्टीमेट लेवल ऑफ लर्निंग, फिर वो आप कभी नहीं भूलते हैं। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टीच और एक्सप्लेन टू समबडी व्हाटएवर यू विश टू रिमेंबर और व्हाटएवर गुड यू हैव लर्न्ड। तो छः हो गए। सातवां और लास्ट, जो भी आपने हाईलाइट किया था, जो भी आपने अपने शब्दों में लिखा था, 2 से 4 हफ्तों के अंदर अंदर उसको एक बार दोबारा पढ़ लीजिए। आपने 1 घंटा 50 मिनट पढ़ाई की थी, 10 मिनट आपने लास्ट में क्या किया था, जो 1 घंटे 50 मिनट में आपने पढ़ा है उसको आपने रिवाइज किया था। अब मैं कह रहा हूं कि जो वो लास्ट के 10 मिनट वाला था, हाईलाइटेड पोर्शन जो था, जिस उसको आप 2 से 4 हफ्ते के बाद फिर से एक बार दोबारा पढ़ लीजिए। अगर आप पूरे 15 दिन पढ़ाई करें, या 2 या 3 हफ्ते या 1 महीना जो भी आप पढ़ें, कोई एक संडे आप 1-1.5 घंटा निकालें, आप कुछ नया ना पढ़ें, सिर्फ वो पुराने वाले को एक बार हाईलाइटेड पोर्शन को रिवाइज कर लें, अगर आप ये करें, ये सातों की सातों चीज़ें, आई एम वेरी श्योर आप जो पढ़ते हैं उसका ज़्यादा रिटेन कर पाएंगे, जब आपको ज़रूरत है उसको इस्तेमाल कर पाएंगे, और आपके लिए वो लंबे समय तक आपकी याददाश्त में बना रहेगा। आई हैव वन ड्रीम, आई वांट टू सी यू एट द टॉप। चमकते रहिए, आसमान की ऊंचाइयां छू लीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।